नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइफ के टॉप न्यूज सेगमेंट में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। सबसे पहली खबर है देश से। पीएम मोदी आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दूसरे दिन शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत की सुनती है, भारत में स्किल कैपिटल्स बनने का सामर्थ्य है, यह दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है, हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है, काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। पीएम ने कहा कि इंदौर दुनिया में लाजवाब है। इस साल भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। देश में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को देश में कोरोना के 170 मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामले 52 घटकर 2371 पर पहुंच गए, यानी पिछले 24 घंटों में 52 कोरोना संक्रमित ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बैंक फ्रॉड केस में घिरी ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर की गिरफ्तारी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। कोर्ट ने चंदा कोचर को उनके पति दीपक कोचर को 1,00,000 रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को हरियाणा के शाहबाद में राहुल गांधी से मुलाकात की। टिकैत के साथ किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल भी कांग्रेस सांसद से मिले और किसानों के मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी तो कांग्रेस ने राकेश टिकैत को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि राकेश टिकैत ने यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वहीं राजद विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के बाद अब एक और राजद विधायक विजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। राजद विधायक विजय कुमार मंडल ने कहा, राज्य में ब्लॉक स्तर से लेकर सचिवालय स्तर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसान परेशान है, नीतीश कुमार किस तरह की समाधान यात्रा कर रहे हैं जब किसान इतने परेशान है। समाधान यात्रा पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सारण पहुंचे हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद है। ऐसे में भाजपा ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से घेरने में लगी हुई है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सारण शराब कांड में मरने वालों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब तक शराब कांड में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक नीतीश कुमार की समाधान यात्रा व्यर्थ है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी बड़ा आरोप लगाया है। बीते कुछ समय से पटना आने वाली फ्लाइट में मारपीट और छेड़खानी के काफी मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही पटना आ रही एक फ्लाइट में मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस कड़ी में मारपीट और छेड़खानी का एक और नया मामला सामने आया है। दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में शराब के नशे में धुत 3 यात्रियों ने एयर होस्टेस के साथ छेड़खानी और पायलट के साथ मारपीट की। हालांकि फ्लाइट लैंड होने के बाद इनमें से 2 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 1 यात्री फरार होने में कामयाब रहा। बिहार में शराबबंदी कानून को पालन कराने में तत्परता से लगी मध्य निषेध विभाग की टीम ने कंटेनर से 25 लाख की अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। मामला है पटना सिटी के फतुहा थाना क्षेत्र के खिरोटपुर पर गंगा घाट का, जहां गुप्त सूचना के आधार पर मध्य निषेध विभाग की पुलिस टीम ने नाव पर लाद रहे शराब के 225 कार्टून को बरामद किया है। वहीं भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से बताया कि बुमराह फिटनेस से जुड़ी परेशानी के चलते इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में शामिल किया गया था। वो पिछले साल सितंबर महीने में साउथ अफ्रीका सीरीज से ठीक पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हो गए थे। चोट के कारण उन्हें एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप छोड़ना पड़ा था। वहीं इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा हाल ही में वृंदावन में नजर आए थे, जहां से उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं अब विराट ने फैंस को ट्वीट करते हुए एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वो अपनी क्यूट डॉल और खूबसूरत वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ बीच के किनारे पर घूमते नजर आ रहे हैं। इस प्यारी सी फोटो को शेयर करते हुए विराट ने कैप्शन में लिखा था कि रब्बा बख्शियां तू एनिया मेहरबानियां, हो तेरे तो कुछ नहीं मांगदा, बस तेरा शुक्र अदा करदा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।